हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी दोस्तों? आई होप कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, अभी 7 बजने वाले हैं। घड़ी दिख रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन रियली में बोल रही हूँ दोस्तों, अभी 7 बजने वाले हैं। और 7 बजे देखिए, अभी हम लोग का जो कॉफ़ी पार्टी चल रहा है, ये देखिए, यहाँ पर डबल ग्लास में कॉफ़ी है, एक श्रेया के पास कॉफ़ी है, और ये दो भूतनी जो देखिए अपने आप इशारा कर रही है कि एक मैं पीऊँगी, एक वो पिएगी, वो हाथ मिली हुई है। और मैं इधर लहसुन भी लेके बैठी हुई हूँ दोस्तों छिलने के लिए। यहाँ प्याज काटी हुई हूँ क्योंकि आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। तो क्या बनेगा तो देखिएगा आगे की वीडियो में। तो चलिए अभी कॉफ़ी का एंजॉय पहले कर लेते हैं, मतलब पी लेते हैं बैठ करके, और देखते हैं कैसा बना है कॉफ़ी। क्योंकि मुझे कॉफ़ी बनाने नहीं आती है फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट टाइम बनाई हूँ कॉफ़ी। वो बनाती है श्रेया। इधर इसका टांग देखिए ये सब इसी तरह करती है दोस्तों, मस्ती। तो चलिए अब कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद प्याज काटेंगे, तब लहसुन छिलेंगे। लहसुन प्याज पीसने के बाद दोस्तों मैं डायरेक्ट आ गई मसाला पीसने के लिए, क्योंकि ये ले आए थे मछली, और मछली में दोस्तों वो भी सिंगी मछली। और सिंगी मछली बनाने में तो जानते ही हैं दोस्तों कितनी मेहनत लगती है, इसे एक एक करके पकी पर अगर नहीं पड़ती है। और साफ़ करने के बाद दोस्तों देखिए, मैं डायरेक्ट आ गई घर में इसे तलने के लिए, क्योंकि रात भी हो रही थी ना, जल्दी से खाना बनानी थी मुझे, और भी काम है बहुत सारा। तो मछली तल करके जो जल्दी से हटानी है मुझे। और देखिए दोस्तों, मैं इस मछली में जो है ना हल्दी नमक डाल करके अब जा रही हूँ तलने के लिए। और कढ़ाई में तेल दोस्तों मैं पहले ही डाल चुकी हूँ गर्म होने के लिए। तो एक एक करके पहले इसे कढ़ाई में देंगे, ताकि ये जो है ना अच्छे पूरे नहीं और दे पर जो इसका तेल जो पड़े नहीं। और देखिए दोस्तों, मेरी मछली जो कितनी अच्छे से लाल हो गई। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। इसमें अब डालेंगे दोस्तों गोभी, क्योंकि आज जो है ना गोभी दे करके मछली बनाने वाली हूँ मैं। आप सभी खाए हैं दोस्तों गोभी डाल के मछली? खाए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये गोभी दे करके जो है ना मछली दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। मेरे यहाँ जब भी बनती है सिंगी मछली तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ गोभी डाल करके। अच्छा थोड़ी एड्रेस क्लिक बोलना। जा भी कोई बात है बाबू, थाउजेंड पे जाके रुक जाएगा। और बच्चे सब तो दोस्तों अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं, और मैं यहाँ आ गई दोस्तों सब्जी देखने के लिए, क्योंकि इसमें मसाला डाल चुकी थी तो मसाला भी लाल हो चुकी थी। अब बच गई थी बारी टमाटर की, तो मैं इसमें टमाटर भी डाल के दोस्तों इसे भूनने लगी। और टमाटर को गलने के लिए चलिए दोस्तों इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, और देखते हैं अभी क्या कर रहा है। भारत माता तुझे सलाम, जी ना मरना तेरे नाम, सबसे ऊँची तेरी कभी न झुके तेरी आन, हम सब है तेरी सलता, रखेंगे हम तेरा। चलो चलो ताली बजाओ दोनों, मस्त बोला, अच्छा बोला। देखिए दोस्तों, अभय जो है कितना अच्छा कविता बोला, वो भी अपने देश पर, मेरा देश महान और हम सब है उसकी संतान। ये तो राइट बात है दोस्तों। हाँ, बहुत अच्छा बात बोला बच्चे ने। और मेरी इधर जो सब्जी चढ़ी हुई है, अभी कोभी फिर से बुझाई नहीं है, ये गर्म पानी हो गई है। तो चलिए इसमें अब चावल मिला लेते हैं। चावल भी निकाल के यहाँ रख लिए हैं पहले से ही। अब जो है सब्जी में थोड़ा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, उसके बाद जो है तब जाएंगे चावल धोने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मेरी मसाला जो भुन चुकी थी और टमाटर भी गल गई थी, तो मैं इसमें डायरेक्ट डाल दी पानी ग्रेवी के लिए। और ग्रेवी डालने के बाद दोस्तों मैं इसमें मछली डाल दी, और मछली के ऊपर से डाल दी मैं धनिया पत्ता। और जो उसके बाद दोस्तों ये मेरी मछली हो गई है अब कंप्लीट, लेकिन थोड़ी देर अभी रहेगी गैस पर इधर। तो चलिए दोस्तों चावल देख लेते हैं। मैं इस पानी में चावल भी मिला चुकी थी, और ये चावल भी मेरी हो चुकी है। तो इसे अब बस बच गई है पसानी, क्योंकि एक चावल देखने से ही पता चल जाती है कि सारी चावल हो चुकी है। तो चलिए अब इसे पसा लेते हैं, क्योंकि मार अलग करने ज़रूरी है। ज़्यादा देर छोड़ने पर जो है ना भात हो जाती है गीला, और वो चावल जो है ना मछली के साथ खाने में अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। तो चलिए मेरी चावल भी तो हो चुकी है, अब चलिए दोस्तों खाना निकाल लेते हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। और खाने में दोस्तों आज जो है ना विक्रम, श्रेया, साक्षी ये सब जो है नहीं खाएगा मछली, बस हम, अभय और मेरे प्राणनाथ, तीन आदमी ही आज खाने वाले हैं मछली। इसलिए दोस्तों वो कम ही मछली लेकर आए थे बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों चावल तो निकाल चुके हैं, अब बच गई है मछली की बारी। और देखिए दोस्तों मछली की कलर जो है कितनी अच्छी आई है, और ये गोभी देने पर जो है ना दोस्तों मछली जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके निकाल लेते हैं,
और देखिए दोस्तों, मुझे इस तरह से जो है खाना एक साथ ही निकालनी पड़ती है। तो चलिए अब हो चुकी है, सभी का खाना निकल चुका है, तो चलिए अब लेके चलते हैं दोस्तों। अभी वो सब इंतज़ार कर रहे हैं रूम में, बैठे हुए हैं खाने के लिए। और देखिए मेरे प्राणनाथ जो है बैठ गए हैं, और इधर अभय भी बैठ गया है। और ये सबको देने के बाद दोस्तों चलिए अपनी खाना जो है ले आते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं अपना खाना भी ले आई हूँ। और एक साथ खा लेने से ये होता है दोस्तों कि साफ़ सफाई ना करने में जो है ना आसानी होती है, बार बार इधर उधर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक साथ ही पोछा लगा लीजिए। तो मैं भी, सब आदमी तो खा चुके थे दोस्तों, उसके बाद रूम क्लीन करके जो है मैं चली गई गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गैस चूल्हा जो रात में उसे गंदी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए दोस्तों मैं रेगुलर जो है खाना पीना खा लेने के बाद जो है गैस चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। और ये गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद दोस्तों मैं चली जाती हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मैं जूठा बर्तन भी जो है रात में नहीं रखती हूँ। ये सारा बर्तन जो है मैं रात में ही साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह में थोड़ी आसानी हो। बच्चे सबको स्कूल भेजनी पड़ती है मॉर्निंग के समय में, अभय का स्कूल 8 बजे है, तो उतना समय जो सुबह में नहीं मिल पाती है। इस वजह से दोस्तों मैं रात में ही सारा बर्तन बासन जो है कर लेती हूँ, इससे सुबह मुझे आसानी हो जाती है। और देखिए मैं बर्तन मल करके ले आई हूँ, और अभी टाइम देखिए दोस्तों 10:05 हो रहे हैं, और मैं बैठ गई सिलाई करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी कस्टमर सब का कपड़ा इतना ज़्यादा आ गया है कि क्या बताऊं। अभी शादी का सीज़न है ना, इस वजह से मेरे पास जो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा जमा हो गई, और मुझे टाइम नहीं मिल पाती है दोस्तों वीडियो एडिट करने की, इसलिए लेट हो जाती है आने मेरी वीडियो। दोस्तों सो गए क्या? अभी देखिए रात के 11:30 हो रहे हैं, और मेरी सिलाई जो है हो चुकी है। मेरे हस्बैंड का जो है फोप काटने का आवाज़ सुनिएगा, तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको। तो अब चलती हूँ मैं भी सोने के लिए दोस्तों, क्योंकि 4:30 बजे सुबह में जगना भी है, बच्चे का लंच वंच तैयार करना है, सुबह जो मॉर्निंग का काम होता है वो करना है। तो मिलूँगी दोस्तों अब मॉर्निंग के समय में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।